करते रहो ऐसे ही जीवन भर। नाज़रीन, आज मैं वाकेंड के एक मकामी होटल में मौजूद हूँ जिसमें की अदबी तंजीम कंदील के सदर जनाब अलामुद्दीन साहब की बर्थडे पार्टी हुई है जिसमें मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और बहुत ज़बरदस्त पार्टी हुई। आज उनकी 1 अप्रैल को ये बर्थडे पार्टी हुई, तो हम जब उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से बताया तो हम थोड़े से ये हैरान हुए कि शायद वो हमें अप्रैल फूल बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, आज उनकी वाकई बर्थडे पार्टी थी। तो मैं चलता हूँ जनाब अलामुद्दीन साहब के पास कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तंजीम कंदील के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंतहाई खूबसूरत तरीके से मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट किया, मुझे ये आनर बख्शा, तशरीफ़ लाए, एहतमाम किया, और ये अच्छे दोस्तों ही की बदौलत मुमकिन हुआ। तो आप दोस्तों का भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपने रिकॉर्डिंग की और हमें कुछ कहने का बोलने का मौका अता किया। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, बेहद शुक्रिया अपने दोस्तों का भी और आपका भी। आगे चलते हैं, खालिद साहब से पूछते हैं कि वो आज की बर्थडे पार्टी के हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बर्थडे पार्टी तो एक बहाना ही था, अल्लाह ताला इनको मज़ीद उम्र दे, कंदील के सदर अलामुद्दीन साहब को उनको खुशखुर्रम रखे। और सिर्फ कंदील एक नाम नहीं है तंजीम का, बल्कि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मतलब हर वाक़े और उसके इर्द गिर्द नवाक जितने भी जो तंजीमें हैं उनको साथ लेके चलती है, और जो भी तकरीब या जो इवेंट करना चाहती है तो उनका ताउन हासिल होता है, और ये किसी अपने मौसनों को भूलती नहीं है। जैसे हम अन करीब कतील शिफाई मुल्क के नामवर शायर जिन्होंने बेशुमार गाने लिखे और आवाम ने बहुत रेडियो पे सुने, हम उनकी बहुत जल्द एक कंदील के हवाले से तकरीब करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह आप भी चैनल वहाँ तशरीफ़ लाएँ। और इसके अलावा इससे पहले हमने नामवर शायर जालिब और हबीब साबिर दानवी और मुख्तलिफ इवेंट हम करते रहे हैं ये, और अलामा साहब का इसमें इतना कंट्रीब्यूशन है कि ये कंदील की जो रशमा लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको बुझने नहीं देंगे और मज़ीद इनको आगे रोशन रखेंगे। सर, आप अदबी तंजीम मलिक तारिक साहब, आप बताइएगा कि आप आज की बर्थडे पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जनाब अलामुद्दीन साहब के। जी, अलामुद्दीन साहब आज तक इन्होंने हर काम में जिंदा दिली से अपनी ड्यूटी दी है और वहाँ के लोगों की खिदमत की है। बड़े बड़े जो यहाँ पर गुजरे हैं मुल्क में शायर अदीब, उनके लिए प्रोग्राम किए हैं और हम लोगों को भी ये इस रास्ते पर लेकर आए हैं, और ये एक जिंदा दिल शख्सियत है और हमेशा दूसरों की इज्जत करते हैं और कराते हैं, और हम सब इन्हें बहुत प्यार देते हैं इसी वजह से, और इनको अपना हर तरह से एक हीरो मानते हैं। मोहब्बत बांटने के बहाने हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके सब इकट्ठे हुए हैं और बड़ी खुशी हुई है। बहुत ही प्यारे दोस्त अलामुद्दीन को उनके जन्मदिन पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अलामुद्दीन जो है ना वो बड़े हर दिल अजीज शख्सियत हैं। तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर, जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे और लग जाए।